इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हर 100 सालों के बाद गॉडेस ऑफ अथीना रिकार्नेट होती है और फिर से अब 100 सालों के बाद अथीना का जन्म धरती पर हो चुका है और जो वॉरियर गॉडेस ऑफ अथीना को प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें नाइट्स कहा जाता है और इस जनरेशन के नाइट्स को नाइट्स ऑफ जॉडियक कहा जाता है। जिसके बाद हम एक घर का सीन देखते हैं जहाँ दो भाई बहन थे, तभी उस लड़की का हाथ ग्लो करने लगता है। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके हाथों के साथ ये क्या हो रहा है। तभी उस लड़की को घर में कुछ लोगों के आने की आवाजें आती है और वो अपने भाई सैम को वहाँ से भागने को कहती है, पर इससे पहले ही उनके कमरे में दो लोग आ जाते हैं और वो सैम की बहन को पकड़ लेते हैं। सैम अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो सैम को गिरा देते हैं और वो उसे मारने वाले होते हैं। लेकिन इससे पहले वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसने पूरी बॉडी पर एक आर्मर पहन रखा था। वो सोल्जर्स उसे गोल्डन नाइट्स के नाम से बुलाते हैं, पर तभी वो दोनों उसके ऊपर गोली चलाने लगते हैं लेकिन उससे गोल्डन नाइट्स को कुछ भी असर नहीं होता। तभी